फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स को अपने सीआरटी टीवी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हो दोस्तों, ये है मेरे पास एयरटेल एक्सट्रीम, जो कि अभी ये एलईडी टीवी से कनेक्टेड है, और यहाँ पर है मेरे पास सीआरटी टीवी जो कि अभी इसमें कनेक्ट नहीं किए हैं, तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। गाइस, हम आपको इस वीडियो में कम्प्लीट ट्यूटोरियल बताएंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा था जिसमें हमने बताया था कि सीआरटी टीवी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पहले क्या था कि कनेक्ट हो जाता था, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें अपने सीआरटी टीवी में क्या होता है, सिर्फ ऑडियो ही सुनाई देता है जब हम अपने एयरटेल एक्सट्रीम को कनेक्ट करते हैं अपने सीआरटी टीवी के साथ। तो ऑडियो हमें सुन के कोई फ़ायदा नहीं होता है, जबकि दोस्तों वीडियो हमारे सीआरटी टीवी में चलता ही नहीं है एयरटेल एक्सट्रीम का। तो ये एक बड़ी समस्या है दोस्तों, अगर हम अपने एयरटेल एक्सट्रीम को कनेक्ट करते हैं अपने सीआरटी टीवी के साथ। लेकिन दोस्तों सारा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और दोस्तों हम आपको लाइव भी चला के दिखाने वाले हैं, चैनल्स भी चलाएंगे, और एप्लीकेशन भी दोस्तों हम आपको चला के दिखाने वाले हैं, और कैसे कनेक्ट करना है सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपके पास सीआरटी टीवी है, और दोस्तों आप उसको अपने एयरटेल एक्सट्रीम के साथ चलाना चाहते हैं। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारे पास एयरटेल एक्सट्रीम का सेटअप बॉक्स, जो कि एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, और ये किसी भी नॉर्मल एलईडी टीवी को एंड्रॉइड टीवी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हो। चलते हैं दोस्तों इसके बैक साइड में। तो बैक साइड में आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं हमें ऑडियो वीडियो का। जैसे यहां पर दोस्तों ये वीडियो से कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, रेड व्हाइट एंड ये येलो कलर का। तो डायरेक्ट दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम इस तरह के जो केबल है वो हम अपने सीआरटी टीवी के साथ जो कनेक्ट करते हैं, उस तरह के केबल हम इसमें भी कनेक्ट करके अपने सीआरटी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों ऐसा अगर करते हैं तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होगा दोस्तों कि सिर्फ हमें ऑडियो ही सुनाई देगा, वीडियो नहीं सुनाई देगा। तो अगर दोस्तों आप नॉर्मल किसी एलईडी टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। हालांकि दोस्तों नॉर्मल एलईडी टीवी में दोस्तों हमें एचडीएमआई केबल का लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, तो एचडीएमआई केबल से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने नॉर्मल एलईडी टीवी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आती है सीआरटी टीवी से कैसे कनेक्ट करें। तो सीआरटी टीवी से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमें ये डिवाइस परचेस करने होते हैं। ये डिवाइस दोस्तों हमें इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा 250 से 300 रुपए के रेंज में। इसका नाम है दोस्तों HDMI टू AV कन्वर्टर। दोस्तों हम अपने एयरटेल एक्सट्रीम को क्या करेंगे, HDMI से ही कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा HDMI केबल, जो कि हम अपने एयरटेल एक्सट्रीम में कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, जिस डिवाइस को हमने परचेस किया था। तो इस डिवाइस को हम क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने HDMI केबल को जो हमारे एयरटेल एक्सट्रीम से निकल के आया हुआ है उसको हम यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर हमें इस तरह के फिर से ऑप्शन देखने को मिलते हैं दोस्तों, रेड व्हाइट एंड ये येलो कलर का। तो इसमें दोस्तों हमें ये वाले केबल जो है वो कनेक्ट कर देने होते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसको रेड वाला रेड में कनेक्ट करते हैं और ये येलो वाला येलो में कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इसके साइड वाला जो वायर है ये वाली, इसको हम अपने सीआरटी टीवी में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें पावर सप्लाई देना होगा किसी भी 5 वोल्ट का, जैसे दोस्तों हम अपने मोबाइल फ़ोन का अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इसमें इसके अंदर दोस्तों हमें पावर सप्लाई देना होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने सीआरटी टीवी में कनेक्ट करने का दिखाते हैं किस तरह से हम अपने सीआरटी टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कैसे फिर हम दोस्तों लाइव चैनल चला कर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सीआरटी टीवी, अभी ये दोस्तों मैनुअल मोड में है, अभी दोस्तों हमने एवी नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एवी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि दोस्तों ये हमारा टीवी है वो एवी मोड में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों हमने एवी को सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हमें ये जो केबल है वो हमारे सीआरटी टीवी में कनेक्ट करना होता है। तो केबल पहले हम आपको टीवी घुमा देते हैं ताकि आपको सब कुछ दिखते रहे कि मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है गाइस, यहाँ पर नीचे की तरफ हमें इन का ऑप्शन मिलता है, तो इन में हमें क्या करना है, एक येलो और एक वाइट कलर का ऑप्शन मिलता है। तो येलो वाला हम येलो में कनेक्ट कर देते हैं और वाइट वाला हम रेड में कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है गाइस, दो तरह के हमें इन का ऑप्शन मिलता है सीआरटी टीवी में, तो दोनों में हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम का जो सेटअप बॉक्स है इसमें पावर सप्लाई भी दे दिया है, सारा कुछ मैंने कर दिया है, और LNB का वायर जो है कनेक्ट कर दिया है जो कि हमने निकाल के रखा हुआ था। अब दोस्तों हम आपको चैनल्स चला के दिखाते हैं। अब ये होम पेज पे खुला हुआ है, GTV, स्टार प्लस, यहाँ पर सारे चैनल्स भी हमें दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक चैनल्स जो है वो प्ले करते हैं जो कि हमें कॉपीराइट फ्री जो है वो हम करते हैं। जैसे 309 हम प्रेस कर रहे हैं तो ABP न्यूज़ जो है दोस्तों वो स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये एबीपी न्यूज़ जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा एबीपी न्यूज़। और इसके बाद दोस्तों हमें एयरटेल करके यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो कि एयरटेल स्ट्रीम से ये चल रहा है। तो इसके बाद दोस्तों हम चैनल्स भी चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जियो न्यूज़ मैंने ओपन किया। ठीक है गाइस, अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। हमने इसका साउंड जो है म्यूट कर दिया है। चलिए, आपको लग रहा होगा कि साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, तो म्यूट को थोड़ी देर के लिए हम हटाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आवाज भी सुनाई दे रहा है। तो हम आपको चलिए कुछ एप्लीकेशन जो है वो ओपन करके दिखाते हैं। हमने पेज को है बैक कर लिया और यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एप्स एंड गेम का। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये नेटफ्लिक्स जो एप्लीकेशन है इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये बहुत ही सिंपल तरीके से सारा कुछ वर्क कर रहा है। हमने एप्लीकेशन पर क्लिक किया हुआ है, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो नेटफ्लिक्स, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अभी हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये लोडिंग हो रहा है। अब हम वापस से आते हैं बैक और आपको देख सकते हो गाइज, यही वो मैजिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम आसानी से अपने CRT TV को कनेक्ट किए हैं अपने एयरटेल स्ट्रीम के साथ। और इसको हमने पावर सप्लाई दे रखा है अपने मोबाइल चार्जर के अडाप्टर से। ये हमारा वायर जो है वो कनेक्ट हो रहा है इसके साथ। ठीक है गाइज, और ये जो HDMI केबल है ये आया हुआ है हमारे एयरटेल स्ट्रीम सेटअप बॉक्स के से। और इसका जो इसका आउटपुट है दोस्तों, ये वाली डायरेक्ट हमारे CRT TV में जाके कनेक्ट हो चुका है और CRT TV से सारा कुछ हमें देख रहा है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।